आप सभी का हमारे नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली के सरोजनी मार्केट, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आपको भी हम वहाँ का पूरा दिखाएंगे, वहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी कैसे मिलती है, कैसे डिज़ाइन है, और अभी लेटेस्ट क्या आया है। तो दीदी भी हमारे आई हुई है, मीरा दीदी, तो ये आई हुई थी कल, तो इनको भी शॉपिंग वगैरह कराएंगे वहाँ से, और आपको पूरा दिखाएंगे कि वहाँ पे कितनी रेट है और कितने सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो अभी दीदी आई है, तो दीदी क्या खरीदोगे आप सरोजनी मार्केट से? मेरे को जो भी अच्छा लगेगा मैं वो खरीदूंगी, तो मतलब सही प्राइस में मिलेगा जो भी सामान वो मैं ले लूँ। तो हम आपको पूरा दिखाएंगे, तो आप बने रहना ब्लॉग के साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और आंसू भी आया है। आंसू तू क्या लेने जा रहा है? मैं कुर्ता भी लेना मेरे को और कार्गो पैंट्स भी लेना। और फर्स्ट टाइम जा रहे हो तुम? हाँ, सरोजनी मार्केट मतलब सुना तो बहुत है लेकिन फर्स्ट टाइम पहली बार जा रहे हैं। तो दिल्ली का सबसे फेमस मार्केट है, सबने सुना होगा इसका नाम। तो हम बाग का पूरा टूर कराएंगे आपको। और आरू तू क्या लेगा? तो सब हम आपको शॉपिंग दिखाएंगे, हम क्या क्या खरीदेंगे तो पूरा आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहना ब्लॉग के साथ। तो ये चिल्ड्रंस पार्क आ गया यहाँ पे। गाइस हम सरोजनी मार्केट पहुंच चुके हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है और ये देख सकते हो आप यहाँ का मार्केट कितनी भीड़ है यहाँ पे। और गाइस ये पार्किंग है इस मार्केट की जो कि फुल है, बिल्कुल जगह नहीं है यहाँ पे। बच्चे कपड़े देख रहे हैं, ये देखो कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाते हैं सारे। यहाँ पे बच्चे के, लेडीज के, जेंट्स के सबके कपड़े मिलते हैं। सही लग रहा है। दुकान में 1800 रुपये के पैंट है यार। और थोड़ी बहुत शॉपिंग की है हमने। मात्र आधे घंटे की बची है सेल, कोई सा भी कपड़ा निकालो पूरे शोरूम में 100 रुपए। तो हमने फाइनली शॉपिंग कर ली है और हम मार्केट से बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे कपड़े। तो आपको हम घर जाके दिखाएंगे हमने क्या क्या लिया, ज़्यादा नहीं ले पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम आपको घर पर जाके दिखाएंगे। तो ये सामने हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं, आंसू चल रहा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ये देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, तो फेस्टिवल पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं। 3-4 घंटे लग गए थे। सरोजनी मार्केट इतना बड़ा है और इतना फेमस है दिल्ली में, अगर कोई भी दिल्ली में है और
दिल्ली के आसपास रहता है तो सरोजनी मार्केट जरूर आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप है। और अभी फेस्टिवल पे तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए हैं, सर्दियों से लेके मतलब आप दिवाली पे हर तरह के कपड़े मिलते हैं वहाँ पे, लेडीज जेंट्स मेल बच्चे के सबके। तो मैंने जो शॉपिंग की है वह मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप सब ब्लॉग में बने रहना आखिरी तक, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सब देख ही पा रहे हो मेरे आसपास में कितने सारे कपड़े पड़े हैं, और तो इतने सारे कपड़े में हम सरोजनी मार्केट से देख पाए हैं, लेकिन हमने फिर भी बहुत कम कपड़े लिए हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा थी और हमारे साथ मेरा बच्चा भी था तो परेशान कर रहा था, सो रहा था। तो छोटे बच्चों के साथ सरोजनी मार्केट नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और अभी दिवाली आ रही है तो उस वजह से और भी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी लोग वहाँ पे खरीदने आते हैं। वहाँ पे सजावट के हर तरह के सामान मिलते हैं, तो आप भी जरूर जाए। और आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा कि वहाँ पे कैसे मतलब कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, कितने सामान है और कितनी भीड़ है। तो आपको मैं मेरी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने वेयर कर रखा है ये सूट, ये देख सकते हो आप कितना प्रिटी है, ये मैंने फेस्टिवल के लिए लिया है, ये आप दिवाली पे और करवा चौथ जो भी फेस्टिवल है उसे पहन सकते हो। तो ये भी मैंने सरोजनी मार्केट से लिया है, ये मैंने पहन रखा है ये, और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत अच्छी है। और इसकी प्राइस आप गैस करो कितनी हो सकती है, मैं बताई देती हूँ आप लोगों को। इसकी प्राइस है 700 रुपये, फिर 700 रुपये में पूरा सेट है, स्ट्रेट कुर्ता है, इसके नीचे पैंट है और ये चुन्नी है, तो ये पूरा 700 रुपये में है। तो इससे भी अच्छे अच्छे कपड़े और इससे भी बेस्ट कपड़े आपको मिल जाएंगे सरोजनी मार्केट पे, कम रेट पे, डिस्काउंट भी होता है वहाँ पे। तो आपको मैं पूरी ड्रेस दिखाती हूँ, तो ये मैंने एक ड्रेस दिखा दी आपको, अब मैं मेरी मेरी ड्रेस दिखा देती हूँ उसमें। तो ये एक मैंने नाइट सूट लिया है, ये देखो ये पजामा और इसी की मैचिंग का ये टी शर्ट है, तो ये लिया है मैंने 200 में, ये पूरा सेट है 200 में, आपको मतलब कोई सी भी प्रिंट भी मिल जाएगा और हर तरह के कपड़े अवेलेबल है, नाइट सूट, पार्टी वेयर, फेस्टिवल वेयर, हर तरह के हैं। तो ये मैंने 200 का पूरा सेट लिया है। तो मैंने ये दो एक कपड़े लिए थे, एक ये पार्टी वेयर और ये पहनने के लिए घर पे। अब मैंने बच्चे के लिए लिए थे, तो बच्चे के कपड़े दिखा देती हूँ आपको। तो ये बच्चे के कपड़े हैं, ये 2 साल का लड़का है मेरा, उसके लिए लिया है मैंने ये देखो। तो ये सर्दियों के लिए लिया है मैंने, सर्दी आ रही है आप सबको पता है, तो सर्दियों के लिए मैंने कपड़े ले लिए उसके लिए। एक तो ये शर्ट ये लिया है, ये लिया है मैंने उसका 300 रुपये का है ये पूरा सेट सर्दियों के हिसाब से। और एक ये है उसकी ड्रेस, ये देखो, तो ये है, ये भी 300 का, ये भी 300 का, तो ये मैंने सर्दियों के हिसाब से लिया है। और ये अगर ये कपड़े आप किसी शॉप पे जाके पूछोगे तो आपको मतलब कम नहीं बताएंगे, 1500 रुपये में बताएंगे। तो ये मैंने देखी 300-300 रुपये में वहाँ पे दे रहे थे, बच्चों के कपड़े भी, उनका स्टफ भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है बिल्कुल, तो बहुत अच्छे हैं, ये देखो कितना अच्छा है। तो वहाँ पे हर तरह के कपड़े मिलते हैं, तो ये मैंने दो दीदी के लिए लिए थे मेरे। और अब मैं इसके पापा की शॉपिंग दिखाती हूँ, इन्होंने हमसे ज़्यादा शॉपिंग की है। तो आप बताना कैसी लगे आपको शॉपिंग, और आपको कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे लगे कपड़े। तो ये कार्गो पैंट ली है इन्होंने सबसे पहले, ब्लैक कलर की, ये भी बहुत ज़्यादा चल रही है। और इसके ऊपर ये टी शर्ट लिया है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं बॉयज और आदमियों के वहाँ पे। तो इसकी अभी बहुत ज़्यादा चल रही है ये शर्ट, लूज लूज टी शर्ट। और इसी में दूसरी टी शर्ट ली है उन्होंने, ये देखो 3 टी शर्ट ली है उन्होंने, एक ये हो गया और एक ये ब्लैक कलर की है, ये बैक है सॉरी, इन आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंट है इनके। तो ये देखो इन्होंने 3 टी शर्ट ली है, और 3 ही कार्गो लिए हैं इन्होंने, ये भी ब्लैक ही लिए है इन्होंने, सेम कार्गो। और एक ये वाली ली है, एक ये ली है, इसका कलर थोड़ा अलग है। ये कितने की ली थी अपने, कितने की थी कार्गो, 500 की। ये 500 की थी एक, है ना। और ये टी शर्ट, ये 250 की है एक टी शर्ट। तो ये देखो, अगर यही कार्गो, अगर यही अपन शॉप में जाएंगे तो बहुत महंगी मिलती है, तो ये देख लो कितनी सस्ती मिल गई वहाँ पे। वहाँ पे हर तरह के कपड़े हैं, हम तो फिर भी कम शॉपिंग करके लाए हैं, क्योंकि बच्चा परेशान कर रहा था बार बार, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रश भी बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे ज़्यादा भीड़ आती है वहाँ पे। तो हमने तो अभी ये शॉपिंग की है, और मैंने एक सैंडल भी ली थी, ये जूतियाँ ली है मैंने, ये मेरी सास के लिए ली है मैंने ये जूतियाँ, ये देखो रबड़ की है, ये जैसे काम वाम करती है ना खेत वगैरह में भैंसों वैसों का, तो ये बहुत अच्छी रहेगी उनके लिए, पैर वैर नहीं फटेंगे उनकी एड़ी एड़ी। और उसी साथ साथ मैंने मेरे लिए ये सैंडल ली थी, तो ये भी 200-200 रुपये में, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन में, आपको हर तरह की डिज़ाइन जो आपको चाहिए वहाँ पे सब मिलती है, इयर रिंग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सैंडल,
क्लॉथ, नाइट सूट, सब तरह के कपड़े मिलते हैं वहाँ पे। मतलब लेडीज को तो जरूर जाना चाहिए वहाँ पे, और लेडीज को जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पता भी नहीं चलता आपके टाइम पे कब गुजर जाते हैं। आप इतनी शॉप होती है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या क्या ले क्या क्या नहीं। तो मैं ये देखो 200 रुपए में लेके आई हूँ, और ये बहुत, अगर आप नॉर्मल शॉप में जाओ तो बहुत महंगी मिले। और ये पानी वानी में सब में चलेगी, ये रबड़ की है। और ये देखो ये घर के लिए ये लेके आई थी मैं, ये प्लाजो जिसके साथ ही कुर्ता, ये सेट है पूरा। तो ये घर घर के लिए है, नॉर्मल घर के लिए। तो ये 300 रुपये का ये भी पूरा। बहुत सारी इतनी प्रिंट होती है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ले कौन सा नहीं। तो मैं तो इतनी शॉपिंग करके लाई हूँ, तो हम जल्दी आ गए थे क्योंकि बच्चा बहुत परेशान हो रहा था। लेकिन अगर आपको भी सरोजनी मार्केट जाना है तो आपको मेरी वीडियो में पता लग गया होगी कैसा है, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सरोजनी मार्केट लोकेशन सब लिख दूंगी। तो अगर आपको भी जाना है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, और ज़रूर जाए, मेरा मानना तो यही बहुत बेस्ट है वहाँ पर लड़कियों के लिए। तो और वहाँ पर आप फेस्टिवल की शॉपिंग, कपड़े वगैरह हर तरह के सामान मिल जाएंगे आपको। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए सरोजनी मार्केट अगर आप दिल्ली में रहते हो तो, और कोई जयपुर से भी वीडियो देख रहा है तो वो भी ज़रूर आए सरोजनी मार्केट अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो। तो बस मैंने तो यही शॉपिंग की है, तो आप सब कमेंट करके बताना ये शॉपिंग आपको कैसी लगी, और आपको सबसे अच्छा कपड़ा कौन सा लगा। और ये भी कमेंट करना कि दिल्ली से कौन कौन देख रहे हैं वीडियो, और जयपुर से कौन कौन। तो बस मैंने तो यहीं की है, इतनी शॉपिंग की है। तो अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।